मैं निशा कुंगारी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एबीएम कॉलेज, जमशेदपुर। आज जो पेपर मैं पढ़ाने वाली हूँ वह है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो यूजी सेमेस्टर 4 ऑनर्स सीसी 8 और सेमेस्टर 5 टीएससी का पेपर है। आज का चैप्टर है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा संबंधी सिद्धांतों का विशद विवेचन किया है। रूसो ने रिपब्लिक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपब्लिक शिक्षा पर सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गवेषणात्मक ग्रंथ है। प्लेटो के समय दो प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, एथेंस की शिक्षा प्रणाली और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। एथेंस में शिक्षा परिवार का निजी कार्य समझा जाता था, महिलाओं के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। निजी शिक्षा होने के कारण यह व्यक्ति में स्वार्थ पूर्ति की क्षमता को विकसित करती थी। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था, यहाँ कठोर सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। साहित्यिक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, जिसके कारण कई स्पार्टावासी पढ़ना लिखना तक नहीं जानते थे। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य था। प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करते हुए अपनी शिक्षा योजना पर निम्न बातों पर जोर दिया। पहला कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, और दूसरा उसने संरक्षक वर्ग के स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। उसने शिक्षा को दो भागों में बांटा, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 साल के बच्चों के लिए थी, जिसमें व्यायाम और संगीत पर जोर दिया गया। शारीरिक शिक्षण के माध्यम से वह डॉक्टरों को समाज से निर्वासित करना चाहता था, तथा संगीत के माध्यम से वह न्यायालय और वकीलों को समाज से निर्वासित करना चाहता था। उसका मानना था कि यदि कानून की व्यवस्थाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्ति के मनों में अंकित कर दिया जाए तो वे स्वयं ही कानूनों का पालन करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों में चरित्र निर्माण करना और सामाजिकता का विकास करना था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उसने 2 वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण निर्धारित किया, जो 18 से 20 साल तक का था। उसने कहा कि जो इस प्रशिक्षण में सफल होंगे वे उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, और जो असफल हो जाएंगे उन्हें उनके अनुरूप कार्यों को सौंप दिया जाएगा। उच्च शिक्षा को भी उसने 2 भागों में बांटा, 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। प्रथम स्तर पर उसने विज्ञान, जिसके तहत गणित, अंकगणित और रेखागणित, इसके साथ ही तर्क, ज्योतिष, संगीत का शास्त्रीय ज्ञान, इस पर जोर दिया। उसका मानना था कि एक सेनापति को संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह अपनी सैन्य टुकड़ियों को आवश्यकतानुसार व्यवस्थित कर सके। 30 वर्ष की आयु में उसने फिर से एक चुनाव परीक्षा का प्रबंध किया। इस चुनाव परीक्षा में जो विद्यार्थी असफल होंगे उन्हें निम्न प्रशासनिक और सैनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा, और सफल विद्यार्थियों को 5 साल यानी 30 से 35 वर्ष तक की उम्र के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजा जाएगा, जहां द्वंद्वात्मक की शिक्षा, जिसमें दर्शन शास्त्र पर मुख्य जोर दिया गया। 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी प्लेटो का यह मानना था कि व्यक्ति को सिर्फ बौद्धिक शिक्षा ही मिली है, अतः उसे 15 साल और यानी कि 50 साल की उम्र तक संसार में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और जो इन सभी बातों में खरा उतरे वही दार्शनिक शासक बनेगा। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। उसने अपने शिक्षा सिद्धांत में राज्य द्वारा नियंत्रित एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की, जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया। उसने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा का प्रबंध किया। शिक्षा प्रणाली के 2 स्तर बताए, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उसने अपने शिक्षा के द्वारा से शरीर और मन दोनों के विकास पर ध्यान दिया।
दार्शनिक राजा की तैयारी की और पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु और वर्ग को बताया। लेकिन इसके शिक्षा सिद्धांत की आलोचना करते हुए आलोचकों का कहना है कि उसने उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। गणित को महत्व दिया लेकिन साहित्य की उपेक्षा की। इसके कारण यूनानवासी अपने प्राचीन साहित्य से अपरिचित रहे। शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला था, जिसके कारण यह सिर्फ न केवल प्रतिभा संपन्न बल्कि धनवान व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। धन्यवाद।